हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है वो है आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो फीचरिंग कैलाश खेर एंड परासून जोशी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये गाना सुना हुआ है और ये गाना बहुत ही सुंदर है। मेरे को पता नहीं मैं इसको गाना बोलना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि इतना सुंदर, मतलब भजन बोल सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। अगर आपने सुना हुआ है आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि वर्ड्स जो है वो भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसको। पर अगर आप पहली बार ही सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट्स है, तो सुनते हैं, बोलने की जगह सुन के आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसकी वेट कर रहे हो, जल्दी से क्लिक करो वो बटन सब्सक्राइब का और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो काफी अच्छे होने वाले हैं होपफुली, वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम उनको अपलोड करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मुझे तो लगता नहीं कि कोई वजह होगी ना अच्छा लगने की, तो करना लाइक इस वीडियो को और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, सुनते हैं, देखते हैं ये वीडियो। बनाना का पहले सुना हुआ था
कैसा लगा? बहुत ही सुंदर है। मेरा तो मन करता है जितनी बारी मैं इसको सुनती हूँ कि जैसे वो दिखा रहे थे ना, साधु हैं, पूरा मग्न होके झूम रहे हैं। काश उस टाइप की भक्ति हम में हो और हम भी वो कर सकें। तो बहुत मन करता है, यहाँ तो कई बार ऐसा मन करता है कि माउंटेन्स में, हिमालय में जैसे है ना, वैसे जाके शांत जगह पे बैठ के आप बस मेडिटेट करो। कुछ नहीं आपको सोचने की, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, बस वो भगवान का नाम लेने का मन करता है। और ये जो वीडियो है ना, ये वो जगाता है, एटलीस्ट मेरे दिल में तो यही जगाता है कि काश मैं ऐसी कोई जगह पे जा सकूं माउंटेन में, और वहां पे जैसे भगवान को पाने की कोशिश या कनेक्ट करने की कोशिश कर पाऊं। बहुत डिफिकल्ट होगा मुझे पता है, क्योंकि जो अगर मैं वैसे बता रही हूँ आपको, शेयर करती हूँ, बहुत ही पर्सनल चीज है कि जब मेडिटेट करने की कोशिश करती हूँ तो दुनिया भर की चीजें दिमाग में आती है, माइंड जो है वो रेस्ट ही नहीं करता। तो जब ये सॉन्ग सुनते हैं ना, तो ऐसा मन करता है इतना कि भाई ऐसे शांत होके कुछ भी नहीं, बस मेडिटेट हो जाए। तो अगर वो पॉसिबल हो जाए तो कमाल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर है, वर्डिंग्स जो है मेरे पास नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मन करता है बस झूम लो ऐसे मग्न होके। तो मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट्स है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था और लॉर्ड शिवा पे ये मतलब बेस्ड है, और जब लॉर्ड शिवा का नाम आएगा तो हिमालयास तो आएंगे आएंगे। और बात सही है कि जो थे ऋषि मुनि जाते थे हिमालयास में, क्योंकि उनको जो है हिमालय में जाते थे क्योंकि वो थोड़ा दूर रहना चाहते थे रोज की चिकचिकबाजी से, रोज की दुनियादारी से दूर होके शांति से मेडिटेट करना चाहते थे। और उस समय उनमें इतनी शक्ति हुआ करती थी कि वो बहुत टाइम तक मेडिटेट कर सकते थे। उनको मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ठंड लग रही है, कुछ हो रहा है, तो उन्हें बहुत विल पावर थी और बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेट कर सकते थे। तो ये मेरे ख्याल से रीजन है कि आप क्यों जाना चाहते हैं हिमालयाज में। मगर जो सॉन्ग है बहुत ही अच्छा है, उसमें कई ऋषि मुनि दिखा रहे हैं मेडिटेट करते हुए और यही बोल रहे हैं कि आप अच्छे रहिए, भगवान का नाम लीजिए। मैं तो इसी बिलीव करता हूँ कि आप रोज भगवान को याद करिए। उस वक्त नॉर्मली इंसान तभी भगवान को याद करता है जब जरूरत पड़ती है, जबकि जो इंसान भगवान को रोज याद करता है उसको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि आप भगवान के साथ अटैच्ड हैं। और काफी अच्छा सॉन्ग था, काफी अच्छी मतलब जो ने आवाज कितनी अच्छी आवाज मुझे थी। लग रहा था जानी पहचानी लग रही थी अरे आवाज। कैलाश खेर बहुत ही फेमस हाँ, तो वही मुझे हैं इसीलिए आवाज जो है बहुत ही जानी पहचानी लग बहुत रही थी। सुंदर उन्होंने आवाज है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से मैंने उनके कोई दूसरे गाने भी गाने भी सुने हुए मूवीज में हैं भी डिफरेंट टाइप के भी तभी, हैं पर और जो पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा था, डिफरेंट सीन्स दिखा रहे हैं मेडिटेशन पे रिलेटेड, तो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग था। और इसमें एक ये सीन भी दिखाए थे जिसमें जो है मेडिटेट कर रहे हैं और उस आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब। और सच बताऊं, आप जब अगर इसको ध्यान से सुनोगे ना आईज क्लोज करके, तो आपके भी हल्के हल्के आंखों में से आंसू आएंगे। मेरे हर बारी में जितनी बारी सुनती हूँ ना, हल्के हल्के आंसू आने लग जाते हैं। इतना सुंदर है ये, इतना सुंदर। तो चलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा जितना मुझे अच्छा लगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।